एवरीवन, स्वागत है आप सबका यूनिकली सक्सेसफुल कार्डबोर्ड यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सही टाइम से मिलते हैं। दोस्तों, शुरू कर लेते हैं अपना आज का वीडियो। तो आज हम बात कर रहे हैं कैसे हम घर पे बैठे अपना EPF अकाउंट देख सकते हैं। तो गूगल पे जाके सबसे पहले हमने सर्च कर लिया है EPFO। जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे साइट आई है एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे इन्होंने अपना लिंक भी दिया है, तो इसको हमने डबल क्लिक कर लिया। तो अब हम इस पेज पे पहुँच गए हैं। इस पेज पे सर्विसेज पे जाके सबसे पहले हमने जाना है फॉर एम्प्लॉइज़ पे। तो एम्प्लॉइज़ पे जाके जब हम टिक करेंगे, उसके बाद नीचे जहाँ पे सर्विसेज का ऑप्शन है वहाँ पे जाके हमने नीचे जाकर क्लिक करना है मेंबर ऑनलाइन सर्विसेज पे। वहाँ पे जाके ये नेक्स्ट पेज खुलेगा। इस नेक्स्ट पेज पे आपको अपना UAN नंबर टाइप करना है जो आपके आपको प्रोवाइडेड है। उसके साथ साथ में आपको अपना पासवर्ड फिल करना है, क्योंकि मेरा ऑटो सेव है तो वो पहले ही यहाँ से लिखा हुआ आ गया। अगर आपका ऑटो सेव नहीं है, फर्स्ट टाइम भर रहे हो, तो आपको खुद से वो भरना पड़ेगा और पासवर्ड भी आपको भरना पड़ेगा। देन थर्ड नंबर पर आ गया कैप्चा, जिसको मैं अभी फिल कर रही हूँ। सो कैप्चा फिल करने के बाद इसको हम कर देंगे साइन इन। तो ये जो साइट है काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने के कारण इसे थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगेगा तो कई बार थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। साइन इन हुआ है और वहाँ पे क्रॉस का साइन बना हुआ है रेड कलर का, मतलब कि अभी हमें वेट करने की जरूरत है। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद तो ये पेज जो हमारे सामने आया है, यहाँ पे अपना खुद का अकाउंट देखने के लिए आप टाइप यहाँ पे व्यू पे जाके पासबुक चेक करनी है तो पासबुक पे क्लिक करेंगे। पासबुक पे क्लिक करने के बाद इसको मैं क्लिक कर लेती हूँ। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैप्चा पूछा जा रहा है, इस कैप्चा को फिल कर देते हैं। सो इस कैप्चा को फिल करने के बाद लॉगिन करने पे अगेन थोड़ा सा टाइम नहीं लिया इस बार इसने, और इसने अपना पेज जो है खोल दिया। यहाँ पे वेलकम UAN नंबर शो रहा है, पैन मेल शो रहा है। तो यहाँ पे नीचे जो है लिखा हुआ है सिलेक्ट मेंबर आईडी, नीचे सेलेक्ट मेंबर आईडी पे हम जाएंगे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपके अकाउंट नंबर दिए हुए हैं, तो अपने जिस भी अकाउंट नंबर का अपना, तो फाइनली आपका अकाउंट जो है वो खुल गया है। और यहाँ पे अलग अलग अकाउंट जो है नंबर आपको दिए गए हैं, आपने जिस भी अकाउंट नंबर का अपना डिटेल या IPF अकाउंट का पासबुक के बारे में चेक करना है उसे क्लिक करके उसका चेक कर सकते हैं। क्योंकि मेरे 4 अकाउंट्स हैं तो मैं उनमें से जिसका भी मेरे को पता करना है, मेरे को चारों का देखना है अपना अमाउंट कितना है, उस पर क्लिक करके आगे मैं व्यू पासबुक करूँगी। तो व्यू पासबुक करके मेरे को उस आईडी के अंडर मैंने जब जॉब करा था उसकी उसका ईयर आ गया है, और उसको मैं डाउनलोड भी कर सकती हूँ। यहाँ पे ये सारी अमाउंट आ गई, कितने कितने अमाउंट जो है कब कब उसकी जमा हुई, क्योंकि 2021 का भी मार्च तक की ही कंट्रीब्यूशन हुई पड़ी है, बाकी सभी का भी वो ज़ीरो शो कर रहा है। तो इसके अलावा 4 आईडीज़ और हैं, 2-3 आईडीज़ और हैं, मैंने उनको भी देखना है। खैर मैं उनको भी देख लेती हूँ।
तो अगर आपका एक ही अकाउंट है तो आपको एक ही अकाउंट शो होगा, मेरे यहाँ पे चार अकाउंट शो हो रहे हैं। तो मैं अभी सेकंड वाले अकाउंट पे जाके अपने सेकंड अकाउंट को चेक कर लेती हूँ कि उस पर मेरी क्या अमाउंट शो हो रही है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे डाउनलोड पासबुक का जो ऑप्शन है वहाँ पे जाके आप को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना अकाउंट जो है वो चेक कर सकते हो। तो चलो मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, ये करके दिखा देती हूँ। तो तो इसको मैं डाउनलोड कर लेती हूँ। ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, उसको जो मैंने क्लिक करा तो नीचे आप देख सकते हैं वो मेरी जो फाइल है वो पूरी की पूरी डाउनलोड हो गई है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके आप ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को, जैसे मैंने पहले बताया है, ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो आज का वीडियो बस इतना ही है। थैंक्स।